फिरोजाबाद के थाना जसराना क्षेत्र में जमीनी रंजिश के चलते चचेरे भाइयों ने एक किशोर को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों ने आनन फानन में किशोर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। यहां उपचार के दौरान किशोर ने अपना दम तोड़ दिया। सूचना पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रविवार की देर शाम को नगला रावरी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब ताऊ और चचेरे भाइयों ने 15 साल के शुभम यादव को गोली मार दी। इस दौरान किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं परिजनों ने बताया कि श्री कृष्ण और उसके बेटे से जमीनी रंजिशें थी। दो बार पूर्व में झगड़ा भी हुआ था, जिसको लेकर देर रात गोली मार दी गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायल किशोर को उपचार के लिए फिरोजाबाद के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया। वहां हालत गंभीर होने के कारण किशोर को आगरा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लड़ाई चल रही थी, खेत का विवाद था, ये हमारे ताऊ हैं, उन्होंने कहा था इनकी कोई माल बच्चा नहीं है, तो उन्होंने वसीयतनामा कर दिया। सो वसीयतनामा कर दिया तो इस वजह से मेरे बड़े दाऊ का लड़का क्या कहते हैं सिंटू और क्या कहते हैं श्री कृष्ण और बंटू और क्या कहते हैं बंटू झगड़ा किया था और उस विवाद पर चल रहा था। सो आज पता नहीं, आज मेरा भाई खाना लेने नहीं आता तो उसके रोटी मार गोली मार दी। हाँ की बात है, नंगला रावरी थाना जसराना के रावरी गांव में कल रात 7:30 बजे के लगभग सीओ नामक एक लड़के को उसके पैर पे जाम के पास एक इंजरी आई, जिसको हॉस्पिटल भेजा गया। वहाँ से फिर आगरा के लिए रेफर किया गया। वहाँ पहुँचने के बाद इसकी हॉस्पिटल में जब पहुँचा तो उसकी मृत्यु हो गई। पंचायतनामा पीएम आती कार्रवाई की जा रही है। कुछ संदिग्ध लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं, उनकी तलाश की जा रही है। एक संदिग्ध को पूछताछ के लिए लाया गया है। अभी तबीयत प्राप्त नहीं हुई, तबीयत प्राप्त करके नियमानुसार इसमें विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। डीजी महाराजा न्यूज के लिए राजा तिवारी की रिपोर्ट।